वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल यूके बाइक केयर में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए आज एक नया गाड़ी लेके आए हैं हम लोग, स्प्लेंडर i3s है, BS6 है गाइस। BS6 में जो क्लच पैड है, क्लच पैड का थोड़ा सिस्टम अलग आता है, इंजन मतलब इंजन में भी थोड़ा परिवर्तन किया है कंपनी ने, तो वो चीज़ को मैं खोलने जा रहा हूँ। अभी गाड़ी के अंदर पिकअप नहीं है, गाड़ी सदा होती है, तो वो चीज़ खोलने जा रहा हूँ। खोलते हुए आपको सब एक एक वीडियो दिखाता हूँ कि क्या चेंजेस किया है कंपनी ने गाड़ी के अंदर, फिर आपको एक एक चीज़ का मैं वीडियो दिखाता हूँ। चलिए गाइस, तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। फ्रेंड्स, तो अभी आपको बोल रहा था, ये देखिए बैलेंसर है इसका, ये भी छोटा कर दिया है कंपनी ने। ये चीज तो सेम रखी है पर इसको छोटा किया है, पर प्लस ये देखिए ट्रायंगल में कर दिया है इसको, 3 केस में। अभी हमारे पास अभी अच्छा देखा जाए तो कूलर भी नहीं है, अब कूलर तो लाना भी पड़ेगा, इसका भी सिस्टम पूरा चेंज हो गया है। तो गाइस चलिए फिर खोलते हैं अभी, ऐसे में हमको कूलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गाइस हमारे पास तो मशीन है, इसके लिए खुल जाएगा, टेंशन नहीं है। चलिए फिर खोलते हैं, आगे की वीडियो देखते हैं। देखिए देखिए फ्रेंड, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इसके अंदर एमरी जमा होती है, ये देखिए पूरी इसके अंदर ही जमा है। ये ऑयल पंप से आता है, ऑयल जितना होता है इसके अंदर एमरी जमा होकर फिर वापस यहाँ से क्रैंक के कनेक्टिंग रोड तक ऑयल जाता है। देखिए पहले से कितना छोटा कर दिया, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा एकदम छोटा है बैलेंसर, ये देखिए। ये देखिए ऑयल बाउल, इसके अंदर ऑयल हमेशा भरा रहता है, इससे क्लच पैड को हमेशा मिलता है ऑयल। ये चेंजेस किया है, ये चीज चेंजेस किया है, देखिए डबल वाइसर हो गया, यहाँ पे कट अलग दिया है, पूरी क्लच असेंबली बदल दी है गाइस। यहाँ तक तो ठीक है, अब ये देखिए क्लच पैड में देखिए, यहाँ ये चीज नहीं आती थी पहले, ये इसका सेंटर भी है जो ऐसा 4 खांचे वाला आता था नॉर्मल में, अभी स्प्लेंडर में पैशन प्रो में, अभी BS6 में कंपनी ने चेंजेस किया है। ये 3 टांग बोल सकते हैं हम लोग इसको, ऐसे बोलते हैं लोग टांग, 3 टांग 4 टांग, और ये देखिए हब को भी चेंज किया हुआ है। प्रेशर प्लेट भी थोड़ी साइज में बड़ी लग रही है अभी, और ये सब भी तब चेंज किया हुआ है। चलिए इसका हब हब और सेंटर दोनों ठीक है, अभी खाली क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट ही चेंज करेंगे, क्लच प्लेट जल गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी सब एकदम व्यवस्थित है, कंपनी ने जैसा था वैसे किया। उसमें देखिए ऑयल पंप, कंपनी ने ऑयल पंप की भी साइज रोटरी कलर अलग कर दिया है, अभी बदल दिया है, थोड़ा अलग से ऑयल पंप बनाया है कंपनी ने, चेंजेस किया है, ये चीज बहुत चीज चेंज किया है उसे, ऐसे देखने पर नहीं लग रहा पर जिस दिन खुलेगा उस दिन देखेंगे। यहाँ पे दिखा ऑयल पंप दिखाओ फिर, ये देखिए पहले वाले में और आज वाले में कितना फर्क है, तो 6G में और ये BS4 और पहले की गाड़ियों में इतना फर्क किया, काफी कुछ फर्क है। अब एक एक चीजें जैसे जैसे हमारे पास आती जाएंगी वीडियो में हम दिखाते जाएंगे, अभी फिलहाल आज क्लच पैड का दिखाते हैं जो चेंजेस किया है कंपनी में, देख ही सकते हैं क्लच पैड भी ऐसे तो नॉर्मल लग रही है देखने पर, पर अभी पार्ट नंबर चेंज हुआ है तो कुछ ना कुछ क्वालिटी में चेंज किया है कंपनी ने। चलिए लेके आते हैं फिर देखते हैं क्या चेंज हुआ है इसमें। चलिए फिर तो इसके आगे का भी देखते हैं हमने इसमें क्या किया है, कुछ और बदलाव किया है कि नहीं किया है। ये देखिए वही है, सेम है स्प्लेंडर जैसा ही है पहले वाले अभी तक का, तो ये देखते हैं सेम ही है, बाकी सब तो देखने में सेम ही लग रहा है।
थोड़ा क्रैंक में बदलाव हुआ होगा लगभग 99%। ये ऑयल पंप बदल दिया है, ये देखिए इसके साथ में टच कर दिया, इंक्लूड कर दिया है, साथ में घूमेगा चक्कर ऐसा बना दिया है। चलिए फ्रेंड्स बाकी सब ठीक है, फिटिंग करते हैं हम लोग। इसमें भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, दोनों में मार्किंग दिया हुआ, मतलब यहीं पे ये इसको मैच करके ही लगाना है, अलग से नहीं, दूसरी जगह से नहीं लगाना, तो ध्यान रखना। बाहर भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है और यहाँ पे भी दिया, ये चीज ध्यान रखनी है। अरे एक एक्स्ट्रा वाइसर वहाँ पे है, आप लोग को दिखाया था खोला था, तो फिटिंग करते हुए भी दिखाता हूँ मैं। ये वाला वाइसर है, ये वाइसर लगेगा, उसके ऊपर से एक और भी है जो पहले जो रेगुलर आ रहा था, कांच वाला खड्डा वाला, ये वाला है, ये डिफरेंट किया है, ये चीज ध्यान रखनी है। नट लगाइए, आटा वाटा सब सेम दिया है, कुछ उल्टा सीधा नहीं है, एकदम प्रॉपर ही है। इसके अंदर क्लच पैकिंग में भी क्या फर्क हुआ है, खाली ऑयल पंप की जो जाली आती है ऑयल फिल्टर में, वहाँ से खाली ये थोड़ा सा पतला हुआ है, क्योंकि ऑयल पंप की साइज बढ़ा दी है, साइज बढ़ाने की वजह से इतना पतला और चौड़ा हुआ है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए बाकी सब कुछ सेम है, खाली इतने दूर का ही फर्क है, अब ये डिस्टेंस इतना बढ़ गया पुराने मॉडल और ये नया मॉडल हो गया, इतना सा ही फर्क है खाली।